हेलो फ्यूचर मिलियनेयर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं येस बैंक के शेयर के बारे में। आज आपने देखा होगा जो येस बैंक का शेयर था वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। उसका रीज़न था कि जो उनका 3 ईयर्स का लॉगिन पीरियड था वो आज खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि इसका आने वाला मूवमेंट कैसा होगा, आपकी एंट्री क्या होगी, आपके टारगेट्स क्या होंगे। तो चलिए सीधा चार्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आज ये स्टॉक 1440 पर ओपन हुआ था और एक क्लोज हुआ था अराउंड 1560 के आसपास। तो आप बताना कि आज ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में था या फिर एक बेयरिश ट्रेंड में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एवरेज ट्रेडेड प्राइस की, तो वो था 15.49 और आज येस बैंक के अंदर 56 करोड़ शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए हैं। मैंने आप इसका 1 आवर का चार्ट खोला हुआ, आप देख सकते हो। और अगर हम इस चार्ट के अंदर समझे इसका ट्रेंड कैसा था वो आप देख सकते हो। पहले से स्टॉक ने डबल बॉटम क्रिएट किया, अच्छा सपोर्ट लिया, उसके बाद आपको शेयर के अंदर तेजी देखने के लिए मिली और फिर उसके बाद स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया। बात करते हैं हम इसके सपोर्ट्स की, तो इस स्टॉक का जो भी अच्छा सपोर्ट है वो है यहाँ पे 15.49 का। आपने देखा होगा अभी एवरेज ट्रेडेड प्राइस था इसका 15.49 और उसका जो नेक्स्ट एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 15 का। अगर आपको 15 रुपये पे यहाँ पे एंट्री मिल जाती है 15 या 15.10 तक, वो आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बात करते हैं इसके टारगेट्स की, तो आपका पहला जो टारगेट होगा वो होगा 15.95 का। अगर ये स्टॉक इस वाले अपने टारगेट को तोड़ देता है, 15.95 को तोड़ देता है, आपका यहाँ नेक्स्ट टारगेट होगा 16.75 का। और अगर ये जो आपका स्टॉक है ये इन दोनों टारगेट्स को आपको क्रॉस कर देता है, फिर इनके रेसिस्टेंस को तोड़ देता है, तो आपको स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए मिल जाएगी। सो गाइज, ये थी पूरी एनालिसिस येस बैंक के ऊपर। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब करो पैसा ग्रोवर को।